सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल लास्ट में लिया था, दैट इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो उसमें हमने टू वेज वी हैड डिस्कस्ड। वन वाज बाय, हाँ जी, फर्स्ट वे क्या है बेटा, बाय मूविंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। आप किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहे हैं, देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। सो यू हैव गॉट, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज योर मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड देन दिस इज मैग्नेट विद साउथ पोल। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड, these are the magnetic fields are there. Okay, so we have got, this is a wire is there. Okay, it has to be a conducting wire. If you are moving this wire, let's say if you are moving in this direction, okay, so if you move a conducting wire perpendicular to the magnetic field, then the current will start flowing in the magnetic field. ठीक है, और ये जो करंट की डायरेक्शन है, दिस करंट डायरेक्शन इज फाउंड बाय, हाँ जी, करंट डायरेक्शन कैसे पता करेंगे भाई हम, Maxwell's left hand thumb rule. Maxwell कहाँ से आ गया, और Fleming के साथ thumb नहीं आता, right hand rule. Sir, left hand rule. अरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। फिर से देखो, मैंने जो अभी तक आपको बताया है ना, पहला तो मैंने जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जब आप बना रहे हैं, जो स्टार्टिंग में हमने किया था, तो यू हैव गॉट अ स्ट्रेट वायर इज देयर, तो दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देन यू हैव गॉट कॉइल इज देयर, then is Maxwell right hand thumb rule, right? And then because of this magnetic field, है ना, the wire will experience a force. ठीक है, अगर एक current carrying wire को, अगर हम current carrying wire को magnetic field में रख रहे हैं, then it experiences a force. Current already है यहाँ पर, it's experiencing a force. ठीक है, ये एक force experience कर रही है यहाँ पर, इस case में downward होगा force. So this is by Fleming's left hand rule. No thumb is there, na? Fleming's left hand rule. This was the case of motor. और यहाँ पर हमारा जो है एक पार्ट खत्म हो गया, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी तो उसका आउटपुट देख रहे थे. Now we have got the other part, that is magnetic field में movement की वजह से इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड, है ना, ये लास्ट पार्ट है. तो यहां पर हम क्या बना रहे हैं, हम यहां पर जनरेटर बना रहे हैं, और यहां पर जो लगेगा वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना. अब ये चीज को समझे, दिस इज राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट हैंड. राइट हैंड रूल अभी किया नहीं है ना Fleming, अभी किया नहीं है ना, कर रहे हैं हम. यहाँ पर आपका जो है शुरू में पहले दो जो है वो मैक्सवेल है, और फिर बाद के दो जो है वो फ्लेमिंग है. ठीक है, जहां पर मोटर या जनरेटर की बात आ गई वहां पर फ्लेमिंग. ठीक है अंगद, याद रहेगा आप? यस सर, याद रहेगा. ठीक है, सो नाउ वी आर नॉट, नाउ द सिनेरियो इज मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, करंट कैरिंग वायर इज देयर. ठीक है, बट ओनली वायर इज देयर, है ना, इट्स नॉट हैविंग करंट, सॉरी, एंड यू आर मूविंग इट. So if you are moving it, again three things are there. Two are given. Given is the magnetic field and the movement. Movement जो है वो हमारा force को भी denote करेगी, है ना, जिस direction में force है उसी में movement होगी. तो यहाँ पर current की direction क्या होगी? तो exactly same three things, that is thumb, forefinger and the middle finger, denoting exactly the same thing, will tell you the direction of current. ठीक है, तो आप right hand को लेंगे, और राइट हैंड में इट विल बी सच दैट
जो आपका फोर फिंगर है ना, फोर फिंगर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इफ यू सी थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो जो आपका मिडल फिंगर है, ठीक है, मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपका मिडल फिंगर की डायरेक्शन है। तो यहां पर जो करंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज देयर, ये करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अंडरस्टूड दिस? यस सर। ये राइट हैंड है ना? हाँ जी, ये राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड का ये बैक साइड है, पाम इज फेसिंग अवे फ्रॉम यू, आपसे अवे फेस कर रहा है पाम। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट, यू कैन से दिस इज योर फोर फिंगर, है ना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। Understood this? Yes, sir. Okay. Second way of making electricity is by changing magnetic field in a loop. ठीक है, अगर आपने एक लूप में बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज की है, then electricity will flow. ठीक है, जितनी ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, है ना, उतना ज्यादा करंट होगा। नाउ इट डज नॉट डिपेंड कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ना 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 ना, इट ओनली मैटर्स इज कि हाउ फास्ट मैग्नेटिक फील्ड हैज चेंज्ड, दैट इज द ओनली थिंग विच मैटर्स। ठीक है, लेट्स सी हियर, इफ आई हैव गॉट अ लूप इज देयर, ठीक है, तो मेरे पास let's say this is one loop is there, ठीक है, इस loop को थोड़ा सा यहाँ पर dark कर लेते हैं, and I am having a magnet here, this is north, this is south, इसकी जो magnetic field है बेटा वो magnet के बिल्कुल पास में ज्यादा होंगी और magnet से दूर में कम होंगी। ठीक है, इफ आई एम मूविंग दिस मैग्नेट, अगर मैं ये मैग्नेट जो है लूप की तरफ आई एम मूविंग इट, व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप इज चेंजिंग, इट इज इंक्रीजिंग बेसिकली। ठीक है, इफ आई एम मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू द लूप इज चेंजिंग and it is more of increase in the magnetic field is there in the loop. Magnetic field agar increase ya decrease karegi, then the current will start flowing in the loop. Loop mein current jo hai wo flow karna shuru kar dega. Understood this? Yes sir. Ab isme hame kis cheez ki requirement hai, we need to find the direction of current in a loop due to change in magnetic field will be such that, अब देखो एक चीज इसको ध्यान से समझो, है ना, देखो मैग्नेट को जब मैंने जैसे ही मूव किया तो लूप के अंदर करंट मूव करना है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करती हैं, और लूप में अगर करंट मूव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द करंट इन अ लूप देर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप, लूप की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड जो लूप की जनरेट हो रही है दैट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज, वो चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, आप देखो अगर मैंने ये एक लूप लिया बेटा, अब इस लूप में जो है, दिस लूप इज लाइक दिस, अब इस लूप में जो है करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, अब करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि, तो इस वजह से क्या होगा, वी विल हैव मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर,
अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे आप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में फिंगर्स आर कर्लिंग टुवर्ड्स यू, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. सो दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम योर नॉर्थ एंड दिस विल बिकम योर साउथ. एग्रीड ऑन दिस? Now, yes, sir. In this case, when the magnet is moving towards the coil, ये magnet बेटा जब coil की तरफ move कर रही है, तो उसकी वजह से coil में current पैदा होगा और coil में current जो है वो उस direction में move करेगा such that कि ये जो magnet की movement है वो restrict हो, वो restrain हो, वो limit हो, वो कम हो जाए. अब इस magnet की movement कम कैसे होगी? North repels north, है ना. इस मैग्नेट की मूवमेंट कम होगी जब यहां पर जो है हमारा नॉर्थ पोल बन जाए और यहां पर साउथ बन जाए कॉइल में. और कॉइल में यहां पर नॉर्थ कब बनेगा? व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ करंट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो नेचर वांट्स टू रिटेन द ओरिजिनल स्टेट. तो वहां पर जो है अगर आप मैग्नेट को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल फाइंड इट इज बिकमिंग टफ to move the magnet. And I'll tell you one experiment in this. So direction of current in a loop due to change in magnetic field, ek minute bas, will be such that the reason for change in magnetic field will be opposed, and this is called as Lenz law. हाँ जी, अब पूछो आप क्या कह रहे हैं बेटा? सर फिर वो फर्क क्या पड़ेगा मैग्नेट को इधर नॉर्थ और साउथ बनने से, क्योंकि उसको बीच में से निकलना है वो जो कॉइल में. फर्क देखो, फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको बताऊं फर्क क्या पड़ेगा. अगर आपने मान लो आपने ना ये कॉइल ऑफ वायर ली है ना, एल्यूमिनियम वायर है, है ना. क्या आप इसके पास अगर मैग्नेट टच करेंगे तो क्या मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा कॉपर को? हाँ सर. हेलो, माइक टेस्टिंग. नहीं सर, नहीं, है ना. तीन चीजें अट्रैक्ट करती हैं, कौन कौन सी? आयरन, निकल, कोबाल्ट. मैंने कॉपर की जगह जो है अगर एल्यूमिनियम वायर ले ली तो क्या मैग्नेट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट? नहीं करेगी ना मैग्नेट अट्रैक्ट. नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट ली बेटा नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, अगर मैं इस मैग्नेट को तेजी से यहां पर लेकर जा रहा हूं, आई विल फाइंड दैट आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन मूविंग द मैग्नेट. मैं मैग्नेट को मूव नहीं कर पा रहा हूं. मूव तो कर रहा हूं बट मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको मूव करने के लिए. क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, इसमें जो है करंट फ्लो होना शुरू हो गया है और उस करंट की वजह से जो है इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है. कॉपर मैग्नेट नहीं है बट कॉइल हैज बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसमें यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, यहां साउथ हो गया एंड दस आई एम नॉट एबल टू मूव इट स्मूथली. तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें बनी है वो अपोज कर रही है मैग्नेट को. वो मैग्नेट को अपोज कर रही है मैग्नेट का फॉल. ठीक है, आई हैव गॉट एन एक्सपेरिमेंटल किट विद मी जहां पर देयर इज अ, दिस इज अ कॉपर पाइप इज देयर, है ना, थिक कॉपर पाइप. अब इस कॉपर पाइप में अगर आप एक आयरन बॉल को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? फुर करके वो नीचे आ जाएगी, है ना. कितने टाइम में आ जाएगी? 1 सेकंड में. बट इसी कॉपर पाइप में अगर आप एक मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे, आपने एक मैग्नेट को ड्रॉप किया, देन व्हाट विल हैपन? इस ये मैग्नेट जैसे ही मूव कर रही है कॉपर के अंदर, मैग्नेटिज्म करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के फ्लो को रोक रही है, स्लो रहती है, वो स्लो स्लो फॉल करेगा. भाई अगर मैग्नेट पूरी रुक गई, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो कॉपर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रुक जाए, बिल्कुल भी नहीं रुक सकता क्योंकि देयर हैज टू बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट टू फ्लो.
तो यहां से आप कॉपर, अगर आपने मैग्नेट को ड्रॉप किया, दिस मैग्नेट विल रीच द बॉटम इन मे बी 5 सेकेंड्स। सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैग्नेट एकदम कहीं जाके रुक जाए। हाँ हाँ सोचो सोचो, मैग्नेट यहाँ पर आकर रुक गई मान लो, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा था, मैग्नेट यहाँ रुक गई। अब मैग्नेट रुक गई तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? तो फिर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, इज मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग? नो। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज या नो है तो इज करंट फ्लोइंग? नो सर। नो सर। अगर करंट फ्लो नो है तो इज इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड? नो सर। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, कोई अपोज नहीं है, देयर इज नो अपोज, है ना, नो अपोजिंग फोर्स। जब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो क्या होगा? फिर ये फॉल करना शुरू कर देगी। अरे मैग्नेट ऐसे रुक जाएगी बीच में? नहीं, रुक नहीं सकती ना, वही मैं बता रहा हूँ बेटा। मैग्नेट रुक गई तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपोजिंग फोर्स है वो खत्म हो जाता है, तो मैग्नेट जो है इक्विलिब्रियम रेस मतलब अचीव करेगी, है ना। इट विल फॉल स्लोली एंड स्टडीली थ्रू आउट द कॉपर पाइप। सो किसी मैग्नेट के स्टॉप होना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? स्टॉप हो ही नहीं सकती बेटा, फैक्टर्स क्या, इट कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। अगर वो स्टॉप हो गई तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो करंट, नो इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई स्टॉप कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना जो उसको रोक रहा है उसको, बट अगर वो बिल्कुल ही रुक गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। द रीजन फॉर विच द इलेक्ट्रोमैग्नेट वॉज मेड विल बी लॉस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन क्यों रही है? क्योंकि मैग्नेट फॉल कर रही है। अगर मैग्नेट फॉल करने ही बंद तो मैग्नेट का पूरा काम हो गया, उसने रोक दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट जस्ट अपोज द मोशन, इट डज नॉट, इट कैन नॉट स्टॉप द मोशन। वो मोशन स्टॉप नहीं कर सकती इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है जी, तो इसी में हमने जो है लेंस लॉ के उसमें हमने एक, हाँ जी बोलो। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है? मैग्नेटिक लेविटेशन बेटा जो मैगलेव ट्रेन्स होती हैं उसमें मैग्नेटिक लेविटेशन इज टेकन। तो उसमें जो है आपका जो मटेरियल है दे आर बेसिकली फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, यहाँ पर ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। एंड वंस द ट्रेन इज फ्लोटिंग, लेट्स से, है ना, मैगलेव ट्रेन अगर वो फ्लोट कर रही है, देन देयर इज नो कॉन्टैक्ट। अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इज देयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो जो एनर्जी लॉस नहीं है तो ट्रेन कैन मूव रियली फास्ट। जो आपने सुपर फास्ट ट्रेन सुनी है 500 किलोमीटर पर आवर, दोज आर मैगलेव ट्रेन। सो दे मैगलेव तो ट्रेन का नाम ही है, एक ट्रेन का नाम ही है मैगलेव। एज सच नेम नहीं है, टाइप ऑफ ट्रेन, है ना, जैसे डीजल इंजन ट्रेन, पेट्रोल इंजन ट्रेन, कोल स्टीम ट्रेन, वैसी मैगलेव ट्रेन जो है वो लेविएट करती है, मैग्नेटिक लेविएशन इज देयर। उसमें भी बहुत बड़ी साइंस है कि जो इतनी बड़ी ट्रेन है वो फ्लोट कैसे कर रही है, है ना। तो इसमें बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स है देयर, आप लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, बट आई विल स्टिल सेंड यू अ वीडियो, जहां पर अगर आपने, आई विल नॉट गो विद द रीजन, है ना, वो 12th क्लास में घुस जाएंगे हम लोग, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूँ। अगर मैंने, मान लीजिए ये कॉपर वायर लिया है बेटा, कॉपर ट्यूब लिया है, और यहाँ इसके आसपास जो है मैंने कॉपर कॉइल अगर बनाई है, है ना, और इसमें मैं अगर बहुत सारा करंट भेज रहा हूँ, सो अगर ये एक एसी करंट है, और एसी करंट में अगर मैंने यहाँ पर एक पतली सी रिंग डाली है तो ये रिंग फ्लोट करेगी, है ना, क्योंकि अब क्यों फ्लोट करेगी वो भी फिर मेरे को बताना पड़ेगा। तो मैग्नेट की, मैग्नेटिक की उसकी वजह से, क्योंकि सर हमने करंट पास किया तो क्या पता वो मैग्नेटिक हो गई कॉपर वायर। देयर इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक फील्ड रिवर इज व्हिच इज गेटिंग प्रोड्यूस, है ना। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप उसको देखना, बट कॉन्सेप्चुअली वो फिर 12th में आएगा बेटा। वो फ्लोट देखो, अगर मैं बात करूंगा वो मैग्नेट बन गई, ठीक है, बट मैग्नेट जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है, एल्यूमिनियम कॉइल, वो फ्लोट क्यों कर रही है उसके ऊपर, ठीक है भाई। ये कोई मैग्नेट थोड़ी ना जो मैंने ऊपर डाली है जो, और ये फ्लोट कर रही है,
यू गेटिंग माय पॉइंट सर मेटल तो है ना मेटल है तो फिर अट्रैक्ट होता है मेटल तो नॉर्थ टू साउथ विल गेट अट्रैक्टेड सर व्हाट इज क्वांटम लॉकिंग क्वांटम लॉकिंग यस सर किस चीज से रिलेटेड है क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है नहीं सर क्वांटम लॉकिंग से शायद से उसमें सुपरकंडक्टर को बहुत ज्यादा वो कर देते हैं सुपरकंडक्टर उसमें एक लॉक हो रहता है जैसे लेविटेटिंग में वहीं पे हवा में उड़ता रहता है मैग्नेट्स के ऊपर लॉक सा हो जाता है वहां पे ओके आई हैव टू चेक है ना आई एम नॉट श्योर ठीक है जी रेडी यहां तक समझ में आया सबको यस सर ओके सो लेट्स सी हियर इफ आई हैव गॉट मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट उसमें और बताया था इफ यू विल टेक अ सिरिंज अगर आप एक सिरिंज लेंगे बेटा और दिस इज अ सिरिंज इज देयर है ना देयर इज नो नीड ऑफ नीडल और इस पार्ट को आप ब्लॉक कर दें और इसके अंदर जो है आप एक नियोडाइमियम मैग्नेट डालें जो आपको आप दो मैग्नेट डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा है ना ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी और इसके ऊपर जो है आप कॉइल ऑफ वायर ठीक है और ये आपको इलेक्ट्रिक शॉप पर मिल जाएगी ठीक है बहुत सारे वायर और ऐसा नहीं है कि पूरे में स्मूथली आप अरेंज कर रहे हैं नहीं आप एक के ऊपर एक जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं रेदर देन कि पूरे सिरिंज पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ठीक है बिकॉज यू नीड मोर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ यू डोंट नीड मोर लेंथ है ना आपको ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए पर यूनिट ऑफ लेंथ फॉर इफेक्ट टू बी देयर तो यहाँ पर आप जो है इफ यू विल पुट अ एलईडी बल्ब अगर आप एक बल्ब लगाएंगे ठीक है नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक द सिरिंज इन माय हैंड एंड आई विल स्टार्ट शेकिंग द नियोडाइमियम मैग्नेट इन इट तो नियोडाइमियम मैग्नेट जो है दैट इज मूविंग टू एंड फ्रो मूव कर रही है वो एंड व्हेन इट्स मूविंग द फील्ड इज चेंजिंग और फील्ड जैसे जैसे चेंज हो रही है यू विल फाइंड दिस बल्ब इज फ्लैशिंग ये बल्ब फ्लैश हो रहा है without any battery or any cell ठीक है you have generated electricity generating electricity is not कि आपने lab में बैठ के electron बनाए और उनको धक्का दे रहे नहीं generating electricity is you are making something somewhere for electrons to move in the wire you are making electrons to move that is what is electricity is there generating electricity रियोस्टेट की तरह है क्या ये जो आपने ऊपर डायग्राम बनाया बेटा रियोस्टेट में तो ये सोलेनोइड बनाया है ना मैंने एक तरीके से ठीक है तो अगर आपके पास रियोस्टेट है ना अगर रियोस्टेट में जो वायर यूज होती है वो थोड़ा सा हायर रेजिस्टेंस की होती है वायर कॉपर वायर यूज नहीं होती है तो रियोस्टेट में अगर कॉपर वायर यूज कर लेंगे तो देन इट विल बिकम सोलेनोइड एंड दिस गोज परफेक्टली सेम हाँ जी बेटा सर तो जो जनरेटर होता है इन उसमें इन मैग्नेट को पिस्टन की मदद से हिलाया जाता है उसके अंदर नहीं नहीं जनरेटर में मैन्युअली मतलब जनरेटर में जो है ना आपका हाँ पिस्टन की वजह से मैग्नेट को नहीं हिलाया जाता उसमें आर्मेचर को हिलाया जाता है ठीक है जनरेटर जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे है इस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है जनरेटर यहाँ पर कॉइल ऑफ वायर इज मूविंग और कॉइल ऑफ वायर अगर मूव कर रही है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये आपका यहाँ पर ऐसे करके होगा है ना जो आपका मोटर का डायग्राम था ना वैसे ही डायग्राम आएगा यहाँ पर और यहाँ पर जो है दिस इज अ पिस्टन इज देयर अब या तो आप उसको मैनुअली जो है हाथ से पकड़ के राउंड राउंड घुमाएं और नहीं तो यू विल मेक एन अरेंजमेंट ऑफ आप पेट्रोल के पिस्टन से जो है उसको मूव कर रहे हैं और या फिर अगर बहुत बड़ा जनरेटर बनाया है तो यू आर मूविंग इट विद द हेल्प ऑफ इन पावर हाइड्रो पावर प्लांट्स में ना विद द हेल्प ऑफ फॉलिंग वाटर वर्क्स एज अ टरबाइन सर तो जो जनरेटर में हैंडल होता है वो ये आर्मेचर हिलाने के लिए होता है पुराने टाइप के जनरेटर में ना वो एक स्टार्ट देने के लिए होता था बट वो इसको हिलाने के लिए नहीं है वो आपका जो पिस्टन अरेंजमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए है हाँ जी सर तो फिर क्या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी तरीके से चलता है क्या हाँ जी काम सारे वही करते हैं ठीक है एनर्जी जो है वो आप यूज कर रहे हैं टू मेक द आर्मेचर रोटेट वो एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं
whether it is from coal power plant or hydro power plant or from nuclear power plant. Nuclear power plant mein jo heat energy produce hui hai, that is used to, let's say, boil the water. Water jab boil hoga, to steam will be generated. That steam will be the one which will move the blades of the rotor. Rotor ke blades ko wo move karegi. Theek hai? For example, let's say ki ye aapka nuclear power plant hai beta, hai na? This is the line, water line is there. Ye water line yahan par aise ja rahi hai. क्योंकि अब यहाँ पर जो है आपका लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज देयर, है ना, दिस वाटर इज लेट्स से गेटिंग बॉइल्ड हो गया, तो ये स्टीम में बन गया, स्टीम बन गया, तो यहाँ पर जो है आपका दिस इज ब्लेड्स विल बी देयर. अब ये जो स्टीम आपकी आ रही है, ये स्टीम इसको ब्लेड्स को हिट करेगी. जब ब्लेड को हिट कर रही है तो ब्लेड मूव कर रहे हैं, ब्लेड मूव कर रहे हैं तो ये रोटर रोटेट कर रहा है, तो उसमें ये पिस्टन भी रोटेट करेगा. इस पिस्टन पे ये जो आर्मेचर लगा हुआ है, दिस आर्मेचर विल आल्सो रोटेट एंड इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट. सर वो मैग्नेट के अराउंड रोटेट कर रहा है खाली, बस आर्मेचर इज रोटेटिंग ओनली, सिर्फ आर्मेचर रोटेट कर रहा है, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. सर तो टर्बाइन में भी यही सिस्टम होता है? हाँ जी, सेम. हाइड्रो पावर प्लांट में जो आपका टर्बाइन होती है, तो उसमें ये आपका हाइड्रो पावर, है ना, दिस इज डैम इज देयर, तो यहाँ पर जो है आपका एक पैसेज भी होगा. ठीक है, अब ये जो वाटर है, दिस वाटर इज बेसिकली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ लेट्स से 10 स्टोरी बिल्डिंग, है ना, डैम तो बहुत ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है अगेन रोटर होगा, और ये रोटर कितने बड़े हैं, दिस आर यू नो इक्विवेलेंट टू साइज ऑफ योर बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग जितने बड़े रोटर हैं भाई, एंड देन दिस इज कनेक्टेड टू द पिस्टन, है ना, और इसके एंड पर जो है आर्मेचर इज देयर. अब ये जो सिस्टम है हमारे जो सिलेबस में, वो सिस्टम यहाँ तक है कि आर्मेचर रोटेट हो रहा है ना, कैसे रोटेट हो रहा है हाइड्रो पावर प्लांट या कोल में, वो हमारे उसमें नहीं है, है ना, दैट विल डिस्कस इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगर वो चैप्टर होगा तो, है ना, अगर डिडक्ट नहीं हुआ तो. इसी में जो है एक्चुअल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स होते हैं, उसमें और भी सिस्टम होते हैं जहां पर जो आर्मेचर को रोटेट ना करके मैग्नेट को रोटेट कर रहे होते हैं, तो मैग्नेट को रोटेट करने से जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और जो आसपास जो कॉपर वायर है उनमें इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग जनरेटेड. ठीक है, तो डिफरेंट वेज आर देयर, बट मेन प्रिंसिपल इज दिस ओनली, है ना, यू आइदर रोटेट द आर्मेचर और इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और यू रोटेट अ मैग्नेट. अगर आप मैग्नेट को बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं, तो आसपास जो आपका कॉइल ऑफ कॉपर वायर्स होंगी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो. अंडरस्टूड? यस सर. जो एसी होते हैं वो एसी करंट पे काम करते हैं? एसी करंट पर? बेटा आपके घर में सारी चीजें एसी करंट पर काम करती हैं. एसी की फुल फॉर्म एयर कंडीशनिंग है, उसका एसी से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, बट आपके घरों में, घर में जो पावर सप्लाई है वो एसी की पावर सप्लाई होती है, डीसी की नहीं होती है. तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन एसी ओनली. सर मेरे को, हाँ जी बोलो. सर मेरे को एसी करंट और डीसी करंट पर डाउट है, समझ नहीं आ रहा क्या हो. ओके, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी रहता है ना? फिर वो इन्वर्टर डीसी होता है बेटा, है ना, बैटरी इन्वर्टर. तो एक्चुअली जो है आपका बैटरी जो है दैट इज प्रोवाइडिंग डीसी सप्लाई. जो उसका वाटर होता है वो बैटरी होता है जो इन्वर्टर में डालते हैं? जो वाटर होता है वो केमिकल, हाँ, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन से जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टोर हो रही है, एंड द सेम इज गेटिंग यूज्ड लेटर ऑन. सर स्टेबलाइजर? स्टेबलाइजर बेटा आपके घर में देखो, जो गवर्नमेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है दैट इज सपोज्ड टू बी 220 वोल्ट, है ना, बट गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती. मान लो आपने टैप खोला, पानी का प्रेशर कई बार कम और कई बार ज्यादा होता है ना, कई बार तो ऐसा होता है हवा निकल रही होती है ना, तो ऐसी करंट में जो है वोल्टेज सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएट करती है. अगर बल्ब में वोल्टेज जो है ऊपर नीचे हो गई तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर से पानी आ गया तो कोई इशू नहीं है, बट एसी का जो कंप्रेसर है ना, इट नीड्स अ वोल्टेज बिटवीन 220
210 to 230, उसको उतनी ही वोल्टेज चाहिए। अगर उससे ज्यादा या कम वोल्टेज हो गई तो स्टेबलाइजर आपका खराब हो जाएगा, नॉट स्टेबलाइजर, एसी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर इज टू स्टेबलाइज द वोल्टेज सप्लाई। और सर जो जो कार मोटर्स होती है वो डीसी पे चलती है? जो कार की मोटर होती है, हाँ सर, उनका इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो होता है डीसी? नहीं नहीं नहीं, देखो कार के अंदर जो चल रहा है वो तो पेट्रोल की वजह से कार चल रही है ना, पिस्टन की वजह से। बाकी कार के अंदर जो आपका बल्ब और म्यूजिक सिस्टम और ये सब चल रहा है वो डीसी से चल रहा है, कार की बैटरी जो वो डीसी सप्लाई कर रही है। ओके सर, तो सोलेनोइड इंजन क्या होता है? सोलेनोइड बेटा देखो, ठीक है, ये सोलेनोइड है। अब ये सोलेनोइड में अगर मैंने बेटा करंट पास किया है ना, और वो करंट मैंने मान लो एसी वाला करंट पास कर दिया, तो क्या होगा? करंट जो है वो बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा। करंट अगर बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा तो नॉर्थ एंड साउथ वो भी बार बार चेंज होंगे, और नॉर्थ और साउथ अगर चेंज होंगे तो इसके अंदर जो है, अगर मैंने एक मैग्नेट रखी है ना, और ये मैग्नेट जो है दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट बार बार बाहर जाएगा और अंदर जाएगा, बाहर जाएगा और अंदर जाएगा, इजंट इट? Yes, भाई जब करंट चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ और साउथ वो भी चेंज हो रहा है, तो वो रियल मैग्नेट को एक बार अट्रैक्ट करेगा, एक बार रिपेल करेगा, लाइक दैट इट विल डू। सो बेसिकली दिस मूवमेंट, इन एंड आउट मूवमेंट, दिस इज सेम एज अ मूवमेंट ऑफ पिस्टन, ये एक पिस्टन की मूवमेंट की तरह है, या फिर इंजन में जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट की तरह है, और इस अरेंजमेंट को विल कॉल इट एज सोलेनोइड। आप सोलेनोइड इंजन भी कह सकते हैं, सोलेनोइड वॉल्व होते हैं जो ओपन क्लोज सर्किट करने के काम आते हैं, बट सबका कॉन्सेप्ट एक ही है ना, सोलेनोइड वर्क्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज डिसाइडिंग वेदर दिस मैग्नेटाइज्ड पिस्टन विल मूव आउटवर्ड और इनवर्ड। इलेक्ट्रिक कार्स में यही यूज होता है? इलेक्ट्रिक कार्स में आई हैव नो आईडिया ना, बट मोस्ट प्रोबब्ली समथिंग सिमिलर अरेंजमेंट। वहां पर जो पिस्टन की मूवमेंट है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रिक कार में डायरेक्ट मोटर ही यूज होती हो, डीसी मोटर, एंड ऑफ स्टोरी, है ना, पिस्टन ही किस लिए चाहिए हमें? पिस्टन अरेंजमेंट कहाँ है जहां पेट्रोल से डीजल बर्निंग से हम कार चला रहे हैं, वहां पर हमें पिस्टन अरेंजमेंट चाहिए। एग्रीड? यस। तो ये हमने लेंस लॉ किया था अभी, है ना, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एसी और डीसी करंट में किसी को डाउट था ना? सिद्धांत, करंट क्या होता है बेटा ये बताओ मुझे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप यूज कैसे करते हैं? आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट से दो चीजें हो रही हैं, पहला ये जिससे टकरा रहे हैं, टकराने से हीट एनर्जी पैदा हो रही है, वी आर यूजिंग इट एज अ बल्ब, फिर हम उसको बल्ब की तरह यूज कर रहे हैं, और या फिर इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग जनरेटेड तो उसको यूज कर रहे हैं हम। इन केस ऑफ डीसी करंट, डीसी करंट में ये मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इन केस ऑफ एसी करंट दिस मूवमेंट इज इन बोथ द डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, ठीक है। एक बार जो राइट मूव करते हैं, दूसरी बार वो लेफ्ट मूव करते हैं, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इन टर्न क्या हो रहा है, इन टर्न दे आर अगेन गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द सेम ग्रीन पार्ट ऑफ द वायर एंड दे आर जनरेटिंग द हीट एनर्जी। ओके सर, ठीक है, इन द एंड आपको हीट एनर्जी तो जनरेट करनी है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा मूव करें या आगे पीछे मूव करें, डजंट मैटर, इट जनरेट्स हीट एनर्जी। ठीक है, एसी इज डायरेक्ट
सॉरी डीसी इज डायरेक्ट, एसी इज ऑल्टरनेट. तो एसी में जो है ना इट इज पीक इज देयर लाइक इट्स मूविंग अहेड वेरी फास्ट देन स्लोइंग डाउन एंड द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हैव स्टॉप्ड एंड देन दे आर मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन देन दे हैव स्टॉप्ड देन मूविंग फॉरवर्ड स्टॉप. ठीक है, लाइक दिस दिस इज हैपनिंग. यस ठीक है. अगर एसी की फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी, बहुत कम कर दी, है ना, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मैंने उसको ब्रिंग डाउन करके 5 हर्ट्ज कर दिया, तो क्या चेंजेस आएंगे? सर बहुत ही क्लोज, मतलब बहुत ही तेज तेज जाएंगे इधर. तेज तेज बेटा, जो चेंज आएगा वो ये कि लाइट जो बल्ब है वो हमारा कॉन्टिन्यूस लाइट की जगह वो एक फ्लैशिंग लाइट देगा. ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा लाइट कब जनरेट हो रही है, लाइट कब जनरेट हो रही है, जब आपका ये पीक पर आ रहा है. एंड व्हेन इट इज स्टॉप्ड देन द डिस्टरबेंस इज लेस, हीट एनर्जी जनरेटेड इज लेस. तो अगर ये फ्रिक्वेंसी जो है मैंने अगर 2 हर्ट्ज की 5 हर्ट्ज कर दी, है ना, तो ये पीक पर जो है यहाँ पर ब्राइट लाइट होगी और यहाँ पर डिम लाइट होगी. देन हियर अगेन दिस इज ब्राइट लाइट एंड दिस इज डिम लाइट एंड वी विल सी द फ्लैशिंग, है ना, मे बी 4 टाइम्स अ सेकेंड. यहाँ पर हमें जो है 10 टाइम्स पर सेकेंड की वो फ्लैश दिखेगी. तो मुझे ये भी नहीं समझ आया कि नॉर्मल अप्लायंस में एसी करंट क्यों यूज होता है डीसी की बजाय. ओके, दिस जो एसी है बेटा उसमें ये आपका अगेन है ना 12th में चला जाएगा. इसका ना बहुत बड़ी फाइट थी, है ना, दैट फाइट वाज बिटवीन थॉमस एल्वा एडिसन एंड टेस्ला. तो टेस्ला वाज इन फेवर ऑफ एसी and Edison he was in favor of DC. So electricity was big thing once they have made out ki bhai it can create you can create light from it, you know, and then finally they found out advantages of AC. But us pe discuss karenge to abhi fayda nahi hai. Aapka question kya hai ki AC pe appliances kaise kaam kar jate hain? Nahi sir, advantage kya tha AC ka DC ke bajaye? AC ka advantage सर वो डिस्टेंस बहुत दूर से, मतलब हम एसी करंट को ट्रैवल करवा सकते हैं. एसी में ना लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस और वोल्टेज ड्रॉप इज लेस व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस. और ऐसा क्यों है दैट आई लाइक टू चेक. और सर एसी करंट मोर इफेक्टिव है डीसी से? एसी इज मोर इफेक्टिव देन डीसी डेफिनेटली, इसलिए वर्ल्ड वाइड पे एसी करंट इज देयर. अप्लायंसेस को यूज करने के लिए एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ता है ना पहले? नहीं, ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप, है ना. अगर आप ऐसा नहीं है एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ता है ना, इट्स एसी डायरेक्टली यूज होता है. सर बट आजकल टीवी में तो वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं ना. टीवी में? अरे सर ये फॉरेन टीवीज के बात कर रहे हो जब इंडिया में लाते होंगे. नहीं 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 नहीं, बाहर फॉरेन जो कंट्रीज हैं वहां पर आपका वोल्टेज का डिफरेंस है. वहां पर जो सप्लाई है दैट इज 110 वोल्ट स्पेशली यूएसए में, और इंडिया में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट है. तो वहां पर देन यू नीड अ स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, बट डीसी ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह पर एसी ही है. डीसी कहीं यूज नहीं होता, डीसी यूज होता है स्पेशली अगर कोई पर्टिकुलर लेट्स से इंडस्ट्री है या फिर जहां पर बैटरी का यूसेज है वहां पर डीसी है, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज एसी. हां जी बोलो बेटा. सर मैं गया टीवी लगा बाहर से आया, फिर उसके नीचे कोई लाइक मशीन टाइप लगी हुई स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को कन्वर्ट करती 110 से 200 के आसपास. दैट इज ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो वो जो नहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके उसमें ना. इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई है, प्रेशर ज्यादा है, और आपके टीवी के अंदर जो वायर सर्किट है वो छोटे छोटे हैं. यस सर. है ना, वो 110 वोल्ट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो आप टीवी प्ले करने से पहले आपको छोटा सा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा. नहीं लगाएंगे तो सोचो पतली सी पानी की पाइपलाइन है, उसमें आप ज्यादा प्रेशर से पानी भेजेंगे तो क्या होगा.
पाइपलाइन फट जाएगी। तो ऐसे ही आप अगर 220 वोल्ट भेजेंगे टीवी के अंदर तो जो वायर है, जो सर्किट्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे किसी पॉइंट पर। ओके सर। हाँ जी सर, एसी से सर टोटल वर्क तो होता नहीं है कुछ नहीं, तो सर उससे अप्लायंसेस कैसे वर्क करता है? टोटल वर्क नहीं होता है, आई एम नॉट अंडरस्टूड। इसे अल्टरनेट होता रहता है ना उसमें? हाँ, बट आप वर्क डन का फॉर्मूला बताएं क्या है? आई स्क्वायर आर टी है ना? यस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई स्क्वायर है वो फ्लो ऑफ करंट पर सेकंड है। फ्लो ऑफ करंट पर सेकंड में इट विल बी काउंटेड, फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना वो बोथ में काउंट होगा बेटा। अगर मैंने इस पॉइंट पर मैं मेजर कर रहा हूँ है ना, तो इस पॉइंट पर मेरे को क्या चाहिए कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड, ठीक है, तो एवरेज के उसमें। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है दैट आई विल काउंट एज वन, एंड यहाँ पर कोई फ्लो कर रहा है तो आई विल नॉट काउंट इट एज माइनस वन, आई विल काउंट इट एज टू, एंड दिस इज थ्री, देन दिस इज फोर, दिस इज फाइव, लाइक दैट। ठीक है, तो करंट फ्लो इज देयर, ओनली थिंग इज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। भाई आप समझे इस चीज को, मैं अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये आपका बेटा बल्ब है ना, अब यहां से मैं अगर ऐसे करंट पास करूंगा तो क्या ये ग्लो करेगा? ये ग्लो करेगा। और मैं अगर यहाँ पर ऐसे करंट पास करूंगा तो क्या ग्लो करेगा? तब भी ग्लो करेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक घंटा ऐसे पास किया करंट, क्या बल्ब ग्लो कर रहा था बेटा? इट वॉज ग्लोइंग ना। और फिर मैंने एक घंटा यहाँ पर ऐसे पास किया, वॉज द बल्ब ग्लोइंग फॉर दैट सेकेंड वन आवर? यस सर। अब वन आवर को रिड्यूस करके 0.1 सेकेंड कर दो। किसने कहा कि वन आवर जो है वो एक अच्छा टाइम पीरियड है? 0.1 सेकेंड भी अच्छा टाइम पीरियड है। अंडरस्टूड? यस सर। लेकिन जो आर्मेचर होता है सर, वो एक अगर सर जैसे क्लॉकवाइज जाएगा तो सर वो तो एक ही साइड रोटेट होगा, और फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो सर दूसरी साइड रोटेट होगा ना। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एसी मोटर की बात कर रहे हैं आप? यस सर। एसी मोटर में हम फिर जो आपका स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग की जगह हम स्लिप रिंग यूज करेंगे एसी मोटर में, ठीक है, एंड इट विल कीप रोटेटिंग ऑन द सेम साइड। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्लिप रिंग का काम क्या है, स्लिप रिंग का काम है कि चेंज ऑफ डीसी के केस में आप चेंज ऑफ डायरेक्शन करें, ये काम है स्लिप रिंग का। कि अगर यहां पर जो है आपका ये आर्मेचर है, दिस इज ए टू बी एंड सी टू डी, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। मैं चाह रहा हूं जब ये 90 डिग्री घूम जाए और 90 डिग्री से ज्यादा घूमे, जब ये ऐसे पहुंच जाए है ना, व्हेन दिस इज लाइक दिस, जब ये इस फॉर्म में है, नाइन्टी डिग्री से ज्यादा घूम चुका है ना ये, अब तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, जो ए टू बी है उसमें अब इस डायरेक्शन में आ जाए। तो ये काम मैं किसकी हेल्प से कर रहा था? आई वॉज डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी, है ना। और एसी के केस में, एसी के केस में तो ऑटोमेटिकली चेंज होता ही है डायरेक्शन, तो एसी में हम जो है सिंपल स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग का काम क्या है, सिर्फ टू मेक श्योर कि इसके साथ जो वायर है ये आपस में ट्विस्ट ना हो जाए, कि ये घूम रहा है और पीछे में वायर ट्विस्ट हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या किया हमने, वी डिड अ सिंपल अरेंजमेंट कि भाई ये जो है इस वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और ये यहां पर इसको कर दिया हमने, ये वायर इसके के साथ कनेक्ट हो गई है, और ये जो ब्लू वायर है वो ब्लू वायर हमारी इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब जब ये गोल गोल घूमेगा तो बेसिकली ये जो आपके रिंग्स हैं ये भी गोल गोल घूमेंगी, ठीक है,
और जो कनेक्शन है वायर का कनेक्शन विल बी विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश. ये हमारे कार्बन ब्रश है, ये स्प्रिंग है, और ये है ना कार्बन ब्रश स्प्रिंग एंड दिस इज वायर. ठीक है, और ये दोनों कनेक्ट कैसे हो जाए? हाँ जी, ये जो दोनों आपने वो लगाए रिंग्स, ये ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो पहले तो कनेक्टेड नहीं है ना. ऊपर नीचे कैसे जाते हैं मतलब? मतलब सिर्फ टच होना चाहिए ना, तभी तो वो करंट पूरा फ्लो होगा. कार्बन ब्रश और रिंग के बीच में पूछ रहे हैं आप? यस सर. हाँ, तो ये बेटा स्प्रिंग जो है कार्बन ब्रश को पुश कर रहा है इन रिंग्स के अगेंस्ट में. अंडरस्टूड? मतलब देखो आर्मेचर घूम रहा है, अगर आर्मेचर घूम रहा है तो ये वाला पार्ट, ये पोर्शन भी घूम रहा है. अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का लास्ट जो पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट को मैंने एक पाइप की शेप दे दिया, छोटा छोटा पीस ऑफ पाइप है ना. सो उसमें क्या हो गया कि नाउ दिस ग्रीन वायर, दिस इज रोटेटिंग. ये ग्रीन वाली वायर जो है ना, देखो ये ग्रीन की जगह ब्लू ले लेते हैं. ये ब्लू वायर जब रोटेट करेगी है ना, तो साथ में ये वाला जो पीस है, दिस विल स्पिन. ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, बट ये अपनी जगह पर ही है अभी, है ना. और ये अपनी जगह पर, ये जब घूम रहा है, तो यहाँ पर अब मेरे को जो है करंट अगर सप्लाई करना था, तो मैंने यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा दिया. कार्बन ब्रश का काम क्या है, वो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से चेफ ऑफ होता रहेगा, बट इट विल मेंटेन अ कॉन्टेक्ट विद दिस रिंग. वो इस रिंग को करंट पहुंचा रहा है, और रिंग जो है फिर अंदर से जो वायर है उसमें करंट पहुंचा रही है. सर, स्लिप रिंग का यूज समझ नहीं आया, क्योंकि जब अल्टरनेट करंट है, करंट की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो रही है, तो हम आर्मेचर की स्पीड के अकॉर्डिंग तो उसको अपने आप ही सेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को. हाँ, तो मैं स्लिप रिंग का काम क्या है, स्लिप रिंग का काम ये है कि आर्मेचर जब घूम रहा है ना, तो अगर मैंने स्लिप रिंग नहीं लगाई, डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दी, तो वायर सारी ट्विस्ट हो जाएंगी, वायर जो है वो मतलब कॉइल्ड अप हो जाएंगी. Following this part? Yes, sir. Sir, तो बस इतने ही काम है slip ring का. बस बस बस, slip ring का कोई function नहीं है otherwise. To prevent the twisting of wire, that's it. ठीक है sir. समझ गए ना? अब देखो जैसे ये दो वायर है ना, ये पाइप मान लो, everyone please pay attention, है ना, ये एक पाइप है. अब ये पाइप जो है इस एक्सिस के अराउंड पे रोटेट कर रही है, ये इसी पॉइंट पर रहेगी ना, isn't it? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मतलब अब गोल गोल जो है ये चीज, पूरी चीज गोल गोल घूमेगी, तो ये पाइप भी गोल गोल घूम रही है, बट इट इज एट द सेम पॉइंट. और इसको आप यहाँ पर एक और ले लें, थिंग्स विल बी मोर क्लियर, है ना. दिस इज द बिग पाइप इज देयर. जब ये बड़ी वाली पाइप घूम रही है, तो छोटी वाली पाइप भी घूम रही है. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने यहां पर जो है एक पाइप और ली है बेटा. ठीक है, और ये जो पाइप से यहां से मैंने कनेक्ट किया, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया. ये आर्मेचर है मेरा, है ना, और ये आर्मेचर जो है ये यहां से कनेक्ट हुआ. दिस हैज कम हियर. नाउ दिस पार्ट I'm taking it with red pen. This part is going and connecting with the front one. ये मेरा slip ring है बेटा, बस slip ring का काम और कुछ नहीं है. पूरा का पूरा अगर rotate कर रहा है, तो ये slips भी rotate कर रही हैं. Clear है यहाँ तक? अब ये पूरा करती हैं. हाँ, भाई जैसे wire rotate कर रही है ना, wire की tip को मैंने round कर दिया, उनको मैंने slip ring बोल दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने. एक ही हिस्से पे करोगे तो यहाँ पर ये कार्बन ब्रश है ना, ये कार्बन ब्रश है. करंट जो वो पूरा घूम के ही क्यों आएगा आर्मेचर में, करंट जो यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा. अच्छा सर, ठीक है. सर, दोनों जो रिंग्स है उसके बीच में भी वायर रहती है? उसके बीच में स्पेस है, नहीं वायर नहीं है बेटा. ये आपका यहाँ पर
करंट है। देखो मैं आपको एक बार करंट का भी डायग्राम बता देता हूँ ना, ये आपका यहाँ पर एसी करंट है, ठीक है। तो जो करंट आपका चलेगा वो यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से आएगा, इस पूरी रिंग के अराउंड में करंट है, बट ये जो वायर है वो रेड वाली टच नहीं कर रही है। करंट यहाँ से गया, ये ऊपर गया यहाँ पर, फिर यहाँ से है ना, अब करंट अंदर से होता हुआ फिर इस पूरी वायर में और यहाँ से यहाँ पर, ये करंट की डायरेक्शन है। अंडरस्टूड? Yes, तो स्लिप रिंग में बेसिकली दो रिंग्स हैं हमारे पास, और स्प्लिट रिंग में एक ही रिंग होती है ना। स्प्लिट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रिंग होगी। तो पहले तो इस दूसरी रिंग को हटा देते हैं, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, है ना। और स्प्लिट में क्या करेंगे, इसी रिंग को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, That's it, ये स्प्लिट रिंग हो गया, और ये जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो गई, ये आपका डीसी की बात आ गई। Understood? Yes, sir. So डीसी में स्प्लिट इज देयर, सिंगल रिंग बट इट स्प्लिट इज देयर, एंड एसी में देयर इज टू रिंग्स आर देयर, दिस आर स्लिप रिंग। अपने एसी जाना है तो एसी मोटर की डायग्राम ड्रॉ कर दी एक बार। एसी मोटर मैंने डीसी मोटर के साथ ही बताया था आपको, अल्ट्रोइड अगेन डोंट वरी। तो यहाँ पर एक बार पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, है ना, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो इफ आई एम मूविंग दिस मैग्नेट टूवर्ड्स इट, अगर मैं अंदर की तरफ इसको मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेटा कौन सा मैग्नेटिक पोल बनेगा? नॉट इट अवॉइड इट prevents the movement or changes, है ना, it will always repel it, ठीक है। ये north बना, और ये north कब बनेगा, तो Maxwell right hand thumb rule, तो आप fingers को curl कर रहे हैं, thumb जो है आपका left में जाना चाहिए, इसका मतलब है ये आपका ऊपर की तरफ ऐसे current जा रहा है यहाँ पर, check करें सबको यहाँ तक clear है? Yes sir। अगर current इधर जा रहा है, that means current is flowing in this direction। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर से डिफरेंट होता है। गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन भी पता चलती है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और एमीटर में जो है आपका सिर्फ करंट का अमाउंट पता चलता है। यहाँ पर जो है डिफ्लेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो नीडल है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट पे के हिसाब से वो अपना डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है ना गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। और यहां पर देखो, अगर मैंने इस मैग्नेट को बेटा मूव किया है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अब मैग्नेट मूव हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इन द सोलेनोइड, सोलेनोइड या कॉइल ऑफ वायर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट का मोशन अपोज करने के लिए नॉर्थ को अट्रैक्ट करना पड़ेगा उसे, तो वो यहाँ पर साउथ पोल बनाएगा। यहाँ साउथ पोल बनाने के लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, है ना। करंट डायरेक्शन विल बिकम दिस वे, दिस विल बी द करंट डायरेक्शन इन द सेकंड केस। तो सेकंड केस में जो डिफ्लेक्शन है वो इधर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बस इतना ही आता है कि नीडल की डायरेक्शन डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट और राइट। Understood? पर एक और बारी। हाँ जी। Yes sir, एक और बार समझा दो। हाँ जी, I am taking one more time। मैं यहाँ पर बेटा एक मैग्नेट लिया है। This is south pole, this is north। I am moving it in this direction। ठीक है? Nature opposes change, change oppose means वो magnet की movement को oppose करेगा। तो ये magnet जो है इसकी movement को oppose करने के लिए एक और magnet चाहिए, वो magnet मुझे ये solenoid बनाकर देगा जब इसमें current flow करेगा। तो इसकी movement oppose करने के लिए यहाँ पर जो pole है बेटा वो north होना चाहिए या south होना चाहिए? Sir, north होना चाहिए।
क्योंकि ये दूर जा रहा है और मैं इसकी जो मूवमेंट अपोज कर रहा हूँ तो मुझे पुल करना पड़ेगा इसे, और इसको पुल करने के लिए अपोजिट पोल चाहिए, तो ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए मेरा। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। और ये नॉर्थ पोल कब बनेगा? तो मैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल, मेरा थंब जो है वो यहां से निकलना चाहिए बाहर। माई थंब should be coming out, this is my thumb which is coming out and these are my fingers which are curling in, hai na, right hand yahi banega na hamara sir, opposite poles ek dusre ko attract nahi karte? ha to attract hi to karna hai bhai, ye idhar dur bhag raha tha, acha usko paas mein lekar aana, okay to ha mujhe isko rokna hai dur bhagne se, paas aayega to paas aane se rokna hai और दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकना है, जो भी चेंज है उसको रोकना है मुझे। ओके सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है दिस इज नॉट, तो जो करंट है वो इनवर्ड ऐसे आ रहा है, दिस इज द करंट विच इज देयर, दिस इज द करंट, करंट की डायरेक्शन समझ में आई आपको? यस सर। तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो करंट इधर मूव कर रहा है, अगर करंट इधर मूव कर रहा है तो आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना, गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम डायरेक्टली करंट का ये वो निकाल दें तो नॉर्थ और साउथ तो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा ना? पहले नॉर्थ साउथ पता करेंगे, फिर पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। सर करंट इस लूप में करंट जिस डायरेक्शन में होगा तो नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में होंगे? बेटा हमने तो पहले नॉर्थ साउथ पता किया ना कि नॉर्थ साउथ कहाँ पर है, तो हमें पता चला कि नॉर्थ यहाँ पर है करंट की वजह से और साउथ यहाँ पर है। नॉर्थ यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये जो साउथ वाला है ये दूर जा रहा था तो उसको हमने रोका दूर जाने से। तो जब पहले हमें नॉर्थ साउथ पता चला कि ये नॉर्थ और साउथ पोल होगा, उसके बाद फिर हमें करंट की डायरेक्शन पता चली कि ये है डायरेक्शन। सर वो डायरेक्शन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से फाइंड की? हाँ जी, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आप समझे इस चीज को कि मैग्नेट मूव की, उसकी वजह से करंट बना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो पता करने के लिए आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पता करनी पड़ रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और फिर उससे आप पता कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अंडरस्टूड? ओवरऑल फुल दिस लॉ, ठीक है, जहां पर हम डायरेक्शन ऑफ करंट पता कर रहे हैं फॉर कॉइल ऑफ वायर, That is Lenz law. और अगर हम direction of current पता कर रहे हैं for a coil, then it is your movement of conductor in a magnetic field. That is Fleming's right hand thumb rule. सर दोनों ही EMI में आते हैं? दोनों ही EMI है ना, दो ways हैं आपका electromagnetic induction के, है ना? That is electricity being induced in the conducting wire. ठीक है, so this is proportional to, है ना, जो electricity generate हो रही है loop of wire में, ठीक है, हमने अभी direction का पता किया है, now we are talking about the magnitude, ठीक है, so two things are there, one is electricity in loop of wire. डायरेक्शन आपने कैसे पता की बेटा, बताओ बताओ? राइट हैंड ना, लूप ऑफ वायर में तो लेंस लॉ है ना, फ्रेसीज लॉ एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है दैट विल डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, ठीक है, वन इज रेट ऑफ change of magnetic field and second is number of turns
पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड. एक बार इसकी हेडिंग बता दो क्या है. यही है इलेक्ट्रिसिटी इन लूप ऑफ वायर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. नहीं भाई अगर कॉन्फिडेंस अगर समझ में नहीं आया है तो लेट मी नो है ना. इट्स माय फेलियर एंड आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फेलियर. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी दो वे में जनरेट हो रही है. पहला वे है अगर आप एक लूप ऑफ वायर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हो रही है. बाय मूविंग द मैग्नेट. ठीक है. उससे रिलेटेड ये है. डायरेक्शन कैसे पता करेंगे. लेंस लॉ से. और मैग्नीट्यूड कैसे. मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है डन. लेंस लॉ इज वही ना राइट हैंड थंब रूल. नहीं बेटा क्या क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं. दो अलग अलग लॉ मैंने बताए हैं आपको. लेंस लॉ लिखवाया था ना अभी. डायरेक्शन ऑफ कहां गया अभी लेंस लॉ हमारा. आप देखो नोट्स में आपने लेंस लॉ लिखा है अभी. अभी ये पाया है. ठीक है. तो लेंस लॉ भी यही तो प्रैक्टिस कर रहे थे. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ लूप विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज विच इज कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है ना. इट विल अपोज द रीजन विच इज कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्यों हो रही है कि ये करंट ये मैग्नेट इधर जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा. तो करंट कैसे फ्लो होगा. करंट ऐसे फ्लो होगा. इसको लेंज लॉ कहते हैं. ठीक है. फिर से ईएमआई दो वेज में है. पहला एक है लूप में मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज किया. दूसरा है मोशन ऑफ वायर स्ट्रेट वायर. ठीक है. स्ट्रेट वायर अगर आपने मूव की है मैग्नेटिक फील्ड है. मोशन ऑफ स्ट्रेट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड. अब क्लियर है यहां पर. ठीक है. यस सर. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप. इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है. लेंज लॉ. और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है बेटा. Fleming's right hand. बस Fleming right hand. इसका मैग्नीट्यूड दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है. सेकेंड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड इट विल डिपेंड अपॉन वन इज मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है. ठीक है. सेकेंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड थर्ड इज वेलोसिटी. ये दोनों का डिफरेंस है लूप एंड स्ट्रेट वायर का. ये डिफरेंस नहीं है बेटा. दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. हर चीज में हमने पहले भी किया है ना. हम दो चीज में इंटरेस्टेड रहे हैं हमेशा से. एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड. हम पहले क्या इंटरेस्टेड थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा. अब हम यहाँ किस चीज में इंटरेस्टेड हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. सर लेंज लॉ एक बार वापस बता दो. हाँ जी एक मिनट कॉपी कर लो.
लेंज लॉ इज करंट प्रोड्यूस्ड इन अ लूप ऑफ वायर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड will be such that the magnetic field generated due to current in the loop will always oppose the reason for change in magnetic field. ठीक है, मान लो आग लगी है, आग लगने की वजह से लूप में करंट पैदा हो रहा है. मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं. तो लेंज लॉ क्या कह रहा है? लेंज लॉ कह रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि सच दैट कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पानी पैदा कर रही है. मतलब जो भी एक्स वाई जेड जो भी रीजन है ना, नेचर जो है उस रीजन को कैंसिल आउट करना चाह रही है कि भाई हेलो व्हाई यू आर ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स. और वो चीज जो है वो लेंज लॉ बोल रहा है. तो आपने अगर मैग्नेट को मूव किया, ठीक है, This is your magnet north and south. आपने इस मैग्नेट को यहां पर मूव किया, आपको तो पता भी नहीं चला, बट उसकी वजह से पीछे में क्या हुआ, एक कॉइल ऑफ वायर थी. ठीक है, तो ये जो कॉइल ऑफ वायर है, लेट से दिस इज लाइक दिस. अब इस कॉइल ऑफ वायर में जो है उसकी वजह से करंट पैदा होगा. अब वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन होगी, बट उस करंट की डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस मैग्नेट को रोकेगी, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोकेगी, लेफ्ट या राइट. और वो ये मैग्नेट को आप कैसे रोक सकते हैं? यू कैन स्टॉप दिस मैग्नेट इफ यू मेक दिस एज नॉर्थ पोल. अगर आपने इसको नॉर्थ पोल बनाया तो ये मैग्नेट रुक जाएगी. अब देखें कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मैग्नेट का कब बन सकता है ना. तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को अपनी कर्ल करें एंड जस्ट सी इट हियर. थंब जो है वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए एंड यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस. अंडरस्टूड लेंज लॉ? यस सर. थंब राइट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना चाहिए. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंटर्स इन टू साउथ. अब आपको भाई करंट नहीं पता था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए आपकी, है ना, तभी तो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा वो. जो सर आपने वो बड़ी सी कॉपर वायर और मैग्नेट का एग्जांपल लिया था फॉल वाला, वो लेंज लॉ के लिए था ना? हाँ जी. ठीक है, तो जहां कॉइल की बात आ गई वहां पर लेंज लॉ से डायरेक्शन पता चल रही है. और जहां पर प्लेन सिंपल अगर हमने बात की, ठीक है, अगर यहां पर वायर के मूव करने की बात हो रही है, ठीक है, दिस वायर इज देयर एंड लेट्स से दिस वन मोर, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और इसके अंदर ये आपका वायर हो गई. अब इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? अब यहां लूप तो नहीं है ना कुछ भी,
ना ही आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, आप सिर्फ इस वायर को मूव कर रहे हैं। ये वायर देखो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी नहीं होने वाला है ना, नथिंग, नो करंट इज देयर, ठीक है। बट जैसे ही आप इस वायर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अनबिलीवेबल थिंग विल हैपन। अगर ये वायर जो है बेटा, इट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये बल्ब जो है कितना लो वोल्टेज है और कितनी हाई ये मैग्नेटिक फील्ड है और कितना फास्ट आप वायर को ऊपर मूव कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यस सर। अब यहां पर आपको करंट की डायरेक्शन पता करनी है। आपको ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और आप किस डायरेक्शन में कंडक्टिंग वायर को मूव कर रहे हैं वो भी गिवन है। अब इसमें जो है करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, और वो जो करंट दौड़ रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, टाइप करें चैट बॉक्स में, क्या वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। सर वो रेड वाला एरो फोर्स है ना? रेड वाला एरो फोर्स नहीं है, मूवमेंट है। यहाँ पर अलग हो गया ना, उस डायरेक्शन में हमने मूव किया उसको कंडक्टिंग वायर को, तो थंब की डायरेक्शन हो गई। आप लेकिन राइट हैंड लेना है, ध्यान रखना। हाँ जी गर्व, आपका गलत हो गया, वापस चेक करो राइट हैंड से, बाकी सबका करेक्ट आ रहा है। फर्स्ट आंसर वाज बाय सिद्धांत नमन पार्थुसो। तन्वी इट्स रॉन्ग, चेक अगेन। ऑल करेक्ट, करेक्ट। तमनजोत आंसर ही नहीं भेजा आपने, तो डायरेक्शन लिख दिया बस बेटा। आप डायरेक्शन बताएं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी या बी टू ए? ओके सर, समझ लगा। और बट क्वेश्चन अक्षत आपका गलत है। चलो जी, है ना, जिनका गलत है आई एम नॉट श्योर कि वो राइट हैंड को कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। आप जिनका गलत है प्लीज राइट हैंड लें, फेस द पाम टुवर्ड्स यू, है ना। पाम जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ये राइट हैंड की मेरी फिंगर्स हैं बेटा, और ये मेरा थंब है ना। दिस इज द राइट हैंड फेसिंग टुवर्ड्स मी। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। यहां पर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना बोल के डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलते हैं बस। ये जो है ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। एंड आप फिंगर को अगर फोल्ड करेंगे, कौन सी, बीच वाली फिंगर को, है ना। आप बीच वाली फिंगर को आप फोल्ड कर लें, सो ये जो बीच वाली फिंगर है, दिस इज कमिंग लाइक दिस, ये ऐसे आ रही है। हाँ जी अंडरस्टूड? तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की डेफिनेशन लिखवा दो इसकी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ जी, हाँ जी मैं लिखवाता हूँ एक मिनट। अब यहीं पर बताओ बेटा, ये ऊपर ना जाकर अगर ये नीचे मैंने ले दिया तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? A to B हो जाएगी। और मैंने इसको ऊपर नीचे करता गया तो क्या हो जाएगा, करंट भी लेफ्ट राइट होता रहेगा। वो जो करंट लेफ्ट राइट हो रहा है, दिस इज व्हाट इज अल्टरनेट करंट इज देयर और एसी करंट इज देयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसी करंट। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमने इसको एक कॉइल बना दिया है, ठीक है। और यहां पर मैंने एक स्पिंडल लगा दिया है। अब मैं इसको अगर गोल गोल घुमाता रहूंगा तो क्या होगा, पहले ए बी ऊपर चली गई, फिर ए बी नीचे की तरफ जाएगी, फिर ए बी वापस ऊपर, फिर ए बी नीचे, है ना। उसके अंदर करंट जो है वो अल्टरनेट होता रहेगा, क्योंकि ए बी जो है वो मूवमेंट कर रहा है। जितनी देर वो ऊपर नीचे की मूवमेंट होगी तो करंट ज्यादा डेवलप होगा, और जब ए बी वर्टिकली अप होगा, एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट व्हेन इट इज मूविंग, वो अप डाउन नहीं मूव कर रहा है ना। अगर वर्टिकली अप है बेटा ए बी, इफ ए बी इज वर्टिकली अप, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, लेट्स से अगर मैंने इसको यहां पर ऐसे रोटेट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर
जो मूवमेंट है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, तो वहां पर कोई करंट पैदा नहीं हो रहा है. तो हो क्या रहा है, व्हेन द एबी इज हॉरिजॉन्टल द करंट इज मैक्सिमम, देन व्हेन इट इज वर्टिकल करंट इज जीरो, देन व्हेन इट इज गोइंग इन अदर डायरेक्शन मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो, लाइक दैट द करंट इज देयर. दिस इज ऑल्टरनेट करंट इज देयर एंड दिस इज व्हाट इज द फिनोमेना फॉर जनरेटर इज. ठीक है, जनरेटर गोल गोल घूम रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. हाँ जी हाँ जी सर, जो ये पूरा गोल घूम रहा है ना, मतलब हाँ राउंड राउंड घुमा रहे हैं ना इसको. देखो डायग्राम बना लेते हैं, जो मोटर का डायग्राम है 90% सेम है जो जनरेटर में यूज होगा, है ना. सो दिस इज योर नॉर्थ एंड this is your south and let's take the armature. So this is the armature, this is the armature. ठीक है, ये आपका center axis है. पहला difference आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर. AC generator draw कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी. AC generator draw कर रहे हो? AC generator. पहला diagram, पहला difference यहाँ पर आ रहा है. सर डीसी जनरेटर भी होता है, क्योंकि एसी में तो घूम रहा है तो अल्टरनेट हो रहा है, डीसी में होता है जनरेटर. डीसी जनरेटर बेटा उसमें स्लिप रिंग डाल देते हैं बस, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग डाल देते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है फिर. ठीक है सर. दिस इज स्पिंडल इज देयर. अब ये स्पिंडल जो है आप मैन्युअली हाथ से भी कर सकते हैं, है ना, और अगर आप साइकिल पे कर लें तो साइकिल के थ्रू भी गोल गोल घूम सकता है. ठीक है, तो ये ज्यादा फास्ट लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है तो करंट कम बनेगा हमारा. इसको जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा. और जनरेटर में भी दे आर मल्टीपल आर्मेचर्स आर देयर, है ना, सो दैट एवरी टाइम इट्स मूविंग द करंट इज गेटिंग जनरेटेड. ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका स्लिप रिंग कम्यूटेटर विल बी देयर. तो पहले मैं इसको ले जाता हूँ और ये आपका इसका जो है ये स्लिप रिंग बन गया. ठीक है, एंड सेकेंड व्हाट आई डू इज I'll take this. मैं इसको ले आता हूँ और इसका स्लिप रिंग मैंने बड़ा वाला बना दिया है. जस्ट एक डिफरेंस दिखाने के लिए ना. Now what will happen is यहां पर हम कार्बन ब्रश दिखा देंगे. ये हमारे कार्बन ब्रश है और ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारी वायर है. दिस इज माय कार्बन ब्रश स्प्रिंग एंड वायर. ठीक है, अब यहां पर जो सप्लाई बन रही है वो मेरी एसी वाली सप्लाई आ रही है मेरे को. ठीक है, सो यहां पर हम इंस्टेड ऑफ सेइंग एसी सप्लाई, देखो अगर मैं यहां पर बेटा ऐसे बना देता हूं, है ना, तो इसका मतलब है मैं एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, जबकि मैं प्रोवाइड थोड़ा कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से एसी सप्लाई मिल रही है. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है मैं बल्ब दिखा दूंगा. आई शो इट अ बल्ब एंड दिस इज देयर. ठीक है, यहाँ पर आप एक पिन भी दिखा सकते हैं सर्किट के उसमें. सर पर बल्ब से ये थोड़ी ना दिख रहा है कि एसी सप्लाई है डीसी है. हाँ नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें. एसी सप्लाई, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट. सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिस इज देयर स्लिप रिंग कम्यूटेटर. सर और डीसी वाले में स्प्लिट रिंग लगती है? उसमें स्प्लिट रिंग है, एक ही रिंग बनेगी वो भी स्प्लिट होकर. जनरेटर में ना? जनरेटर में. ओके सर, सेम डायग्राम है. अगर मैं एसी मोटर लूंगा तो एसी मोटर में सेम आएगा, बस यहाँ पर
बल्ब की जगह पर यहाँ पर मैं बैटरी डाल दूंगा, है ना, कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पूरा स्पिंडल की जगह पर सिर्फ शाफ्ट बना दूंगा कि वो शाफ्ट इस वजह से मूव कर रहा है। ड्रॉ करना है क्या? नॉट रिक्वायर्ड। आपने अगर एसी मोटर ड्रॉ किया तो बिल्कुल वैसा ही है ना, दिस इज एसी जनरेटर। डायग्राम में काफी फर्क है, बहुत फर्क आई थी मोटर में, नहीं सर दोनों की डायग्राम में। ना ना, एसी मोटर में तो एग्जैक्टली सेम डायग्राम है बेटा, डीसी मोटर में फर्क मिलेगा आपको थोड़ा सा। यस सर, डीसी मोटर एंड एसी मोटर में काफी। तो एसी जनरेटर वो एग्जैक्टली सेम होगा, है ना, जो डीसी जनरेटर में अगर बना रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली सेम बनेगा, ठीक है। अब सिर्फ फर्क समझे ना, सिर्फ फर्क कहाँ पर है, देखो यहाँ पर तो चीज सेम है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपने आर्मेचर में अगर करंट पास किया तो वो अपने आप मूव करना शुरू करेगा, और आर्मेचर को आपने मूव किया तो उसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा, तो चीज तो सेम हो गई ना एग्जैक्टली। अब फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा मैं मोटर बना रहा हूँ तो मोटर में मेरे को ये स्पिंडल नहीं चाहिए, है ना, मोटर में मैं इसी चीज को जो है मैं शाफ्ट दिखा दूंगा कि भाई ये इसको शाफ्ट, मोटर में शाफ्ट मूव कर रही है मोटर के केस में, ठीक है ना। और जनरेटर के केस में मुझे इसे मूव करना पड़ रहा है तो मैं इसलिए यहां पर इसको एज अ स्पिंडल दिखा दिया है। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर यहीं पर आप जो है बेटा लेट से अगर आप, ठीक है मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, अगर आप यहीं पर डीसी जनरेटर देख रहे हैं तो ये यहां पर ये ऐसे आ जाएगा एंड दिस विल बी योर स्प्लिट रिंग्स विल बी देयर, दिस इज योर कार्बन ब्रश, दिस इज, ठीक है बेटा आप तो मैच कर रहे हैं ना आपका ये आपका क्या बना है, दिस इज डीसी जनरेटर। नाउ और इसमें भी हमें स्पिंडल घुमाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जनरेट कब हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, एसी या डीसी? जब आप आर्मेचर को घुमा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, isn't it? दोनों के सिर्फ उसमें सिर्फ ये स्प्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग का ही डिफरेंस है ना, बस उतना ही फर्क है बेटा, और बस उसकी सप्लाई लगेगी और एक में स्लिप रिंग लगेगी, दैट्स इट। मोटर वाले में भी सिर्फ उतना ही फर्क है। सर तो जनरेटर में सर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है एंड सर मोटर में इलेक्ट्रिक टू मैकेनिक बनती है, बस आप इस चीज को अगर समझ गए तो बस थिंग्स इज डन। आपका जो है यू हैव गॉट अ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, है ना, आप लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो इट इज सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड पर अगर आपने इसको इसके अंदर करंट फ्लो किया, है ना, इफ यू आर फ्लोइंग द करंट इन दिस तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज दिस, ठीक है। ये मोटर है, मोटर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी, हमारे पास करंट था, ठीक है, उसकी वजह से हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ जनरेटर, जनरेटर में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बट जनरेटर में अब हम राइट हैंड लगा रहे हैं एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो जनरेटर में मूवमेंट आपको करनी पड़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने मूवमेंट की है, दिस इज द मूवमेंट इज देयर और मोशन, इसकी वजह से जो है करंट विल प्रोड्यूस व्हिच इज दिस। एक बार डायग्राम दिखा दो, एक मिनट, दिस इज करंट प्रोड्यूस्ड, दिस इज इन केस ऑफ जनरेटर एंड दिस इज मोशन प्रोड्यूस्ड। And this is in case of motor.
this is Fleming right hand rule and this is Fleming left hand rule. बस इतना फर्क है, जनरेटर में आप मोशन से करंट पैदा कर रहे हैं और मोटर में आप करंट से मोशन पैदा कर रहे हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में जो आएगा वो या तो डीसी मोटर आएगा या फिर एसी जनरेटर आएगा. आपने ये अभी क्या ड्रॉ किया था ऊपर वाली डायग्राम में? ऊपर में ये डीसी जनरेटर है बेटा, स्लिप रिंग आ गई ना, स्प्लिट रिंग. स्प्लिट कर देते ना आप, स्प्लिट रिंग. सर मुझे लगे एसी जनरेटर है. ठीक है जी, चलो जी, विल हैव ब्रेक, 8 मिनट्स ब्रेक इज हियर, है ना, 5:30 विल रिज्यूम. 8 मिनट्स. हाँ जी, सर रेवोल्यूशन नहीं होगा आज. हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग. सर बायो नहीं होगा? हाँ बायो होगा ना, आफ्टर 8 मिनट्स मैम इज जॉइनिंग. एंड ये चैप्टर बेटा फिनिश हो गया है ना, सो आई विल बी पोस्टिंग रिकॉर्डिंग. इस चैप्टर का एक पार्ट है दैट इज डोमेस्टिक सर्किट विच वी हैव डन विद द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, तो उस टाइम में हमने डोमेस्टिक सर्किट किया था. आई विल पोस्ट क्वेश्चंस एंड क्विज क्वेश्चन, देन आई विल टेक डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास. सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ जी हाँ जी, इसमें ना एक छोटा सा पार्ट है दैट इज ट्रांसफॉर्मर, सो आई विल टेक दैट इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ जी बेटा. सर आप मैथ्स में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे? आप बोलें सर. प्लीज टू लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? यस सर, थर्ड चैप्टर. ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, संडे को लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम दोनों की साथ में लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लीनियर इक्वेशन से करनी थी या क्वाड्रेटिक से करना था. ठीक है? यस सर. यस सर. यस सर. और सर यस सर, ट्रिगो कब शुरू होगा? ट्रिगो ट्रायंगल्स के बाद शुरू होगा, तो लीनियर इक्वेशन के बाद फिर हम ट्रायंगल्स लेते हैं, फिर ट्रिगो ले लेंगे. ओके सर. स्कूल में हो गया आपके ट्रिगो शुरू? नहीं सर, पूछ रहा था. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना. यस सर, हो गया और पेपर्स में भी आ रहा है. क्या बात कर रहे हो, सही में? सो आई थिंक मिड टर्म में आएगा ट्रिग्नोमेट्री या मैथ्स, मैथ्स स्कूल में. लीनियर इक्वेशन सर. अच्छा लीनियर इक्वेशन ना, मैं आई वाज वरीड कि ट्रिगो कैसे करा दिया पहले. ठीक है, तो संडे को विल हैव है ना 2 आवर्स, मे बी 2.5 आवर क्लास. 10:30 विल स्टार्ट एंड विल डू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो सर वी विल नॉट हैव द रिप्रोडक्शन क्लास ऑन संडे? नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन अभी थोड़ा सा होल्ड बैक पे है. ठीक है. Okay, sir. Okay, sir. Can we take break? हाँ जी, sorry, break time.